हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? एक और अच्छा क्वेश्चन बच्चों, देयर आर 100 विजिटर्स इन ए लाइब्रेरी ऑन ए पर्टिकुलर डे। टोटल विजिटर्स आर 100, 20 हैड टेकन ओनली मैथमेटिक्स। प्लीज स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द ओनली वन। 30 हैड टेकन फिजिक्स बुक, यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं है बच्चों। 42 had taken chemistry, then 8 had taken maths and physics, etc., etc., etc. 3 had taken all the 3 subjects, यानी कि 3 visitors ऐसे बच्चों तीनों subjects को ले आएंगे। Find the number of students taken only 2 book. See, only one, यहाँ पे बहुत effective है बच्चों। तो सबसे पहले मैं बेटा यूनिवर्सल सेट यू ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे बेटा 3 सब्जेक्ट्स की बात है, तो तीनों सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग हम 3 सेट्स को ड्रॉ करेंगे, यानी कि 3 सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल। एम फॉर मैथमेटिक्स, एंड सेकंड सब्जेक्ट इज फिजिक्स, बी फॉर फिजिक्स एंड सी फॉर केमिस्ट्री। बच्चों सबसे पहले निकालना क्या है वो रीजन समझ लो। ये जो पोर्शन होता है बच्चों, ये पोर्शन देखे आप मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों में, अगर ऐसा लिखा है बच्चों, अगर लिखा है कि मान लो कि 30 स्टूडेंट्स है, क्वेश्चन को भूल जाओ बच्चों, दूसरी बात करो, 30 स्टूडेंट्स टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो यहाँ पे टोटल 30 होने चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है 30 स्टूडेंट्स हैव टेकन ओनली मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो वो सिचुएशन में 30 यहाँ पे लिखने होंगे। तो यहाँ पे बच्चों लिखा है टेकन ओनली 2 बुक्स, लेकिन बेटा वो 2 बुक्स कौन से सब्जेक्ट्स की है वो क्लैरिटी नहीं है, तो वो 2 बुक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स की भी हो सकती है और फिजिक्स केमिस्ट्री की भी हो सकती है और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की भी हो सकती है। क्लियर? ये रीजियन प्लस ये रीजियन प्लस ये रीजियन वो लेना नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पे ओनली वर्ड है। फर्स्ट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बेटा वो दोनों सब्जेक्ट की बुक्स को लिया हो, लेकिन ओनली वर्ड है, तो ये रीजियन पे फोकस करता है। ये रीजियन हो बेटा ओनली इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये रीजियन हो बेटा ओनली इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, एंड ये रीजन हो बेटा ओनली इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट की बुक है बेटा वो क्लैरिटी नहीं है, ओनली वर्ड है लेकिन ओनली। तो यहाँ जो नंबर निकलेगा या निकलेगा या निकलेगा, तीनों पोजीशन पे जो नंबर निकलेंगे बेटा ये तीनों का सम हमारा आंसर होगा। अगर ओनली वर्ड बेटा यहाँ से हटा दे, 2 बुक्स लिखा हो, तब ये होगा ये प्लस ये प्लस ये, फिलहाल यहाँ पे ओनली वर्ड, दैट्स व्हाई यहाँ जो नंबर मिलेगा यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा, इसका समेशन देगा हमारा आंसर एज पर रूल। अगर अंदर से बाहर आएंगे तो सबसे पहले यहाँ यानी कि इतने कितने विजिटर से बेटा तीनों बुक्स को प्रिफर कर रहे हैं, 3 हैड टेकन 3 बुक्स, तो बच्चों हमें मुझे 3 लिखना है। ये पीछे जाएंगे बच्चों, पीछे से आगे जाएंगे, देखो क्या लिखा बेटा, 8 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि बेटा यहाँ पे ओनली वर्ड है, देखो एट हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में टोटल यहाँ पे 8 होना चाहिए। ठीक है, मैंने बेटा मैनेज कर लिया, यहाँ पे इसका मीनिंग यहाँ पे 5 होगा। देन 5 हैड टेकन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स यानी कि ये पोर्शन हुआ दोनों में हो, क्योंकि बीच में बेटा एंड वर्ड है, एंड यानी कि इंटरसेक्शन सोचना होता है, तो टोटल यहाँ पे बच्चों 5 होने चाहिए, उसमें से 3 को तो हमने यहाँ पे मैनेज कर लिया, तो रिमेनिंग 2 को मुझे यहाँ पे लिखना है। देर बेटा अब आगे लिखा है बच्चों 8 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में टोटल 8 होने चाहिए बच्चों, उसमें से 3 यहां पे भी मैनेज कर लिया, तो रिमेनिंग 5 यहां लिखेंगे हम। अब बच्चों मैंने पहले से बता दिया आपको कि मेरा जो आंसर है वो जहां पे मैंने लाइन ड्रॉ किए बच्चों, यहां जो नंबर्स मिलेगा उसका समेशन हमारा आंसर है,
तो यहाँ पे नंबर्स के बारे में सोचना ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें बच्चों। तो ये जो डेटा थे बच्चों ओनली मैथमेटिक्स 38 टेकन फिजिक्स बुक 42 टेकन केमिस्ट्री, वो एक्स्ट्रा डेटा हो गए, उसकी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में नेसेसिटी नहीं। तो आंसर होगा बेटा 5 + 5 + 2। क्लियर बच्चों? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकन ओनली टू बुक्स इक्वल टू 5 + 5 + 2 That is 12। फिर बच्चों अगर आपने बच्चों यहाँ पे नंबर्स को लिख दिया तो बताओ आपका टाइम वेस्ट होगा, रॉन्ग तो होगा नहीं, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर बच्चों लिख लिया स्टूडेंट्स, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, जहां पे बच्चों रेक्टेंगल्स की है सर्कल्स की है बेटा वो बहुत ही इफेक्टिव, इसके पहले से बच्चों मैंने मार्किंग करके दे रखा। अब बच्चों मैंने बहुत बार आपको बताया कि जब भी आप वेन डायग्राम का यूज करो जो भी डेटा इनसफिशियंट हो बेटा उसको हमें सपोज करना है, पूरा क्वेश्चन बच्चों आप समझ लो। अब तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े उसमें बेटा ऑलमोस्ट ये जो सेंटर पोर्शन होता है बच्चों दिया होता है ये, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा बच्चों जो दिया नहीं है। तो मैंने आपको बोला है जो भी डेटा क्वेश्चन में ना बेटा उसको सपोज करें, सेकंड होल क्वेश्चन में बेटा जो डेटा है वो फेल, देखो फेल, लेकिन लास्ट में जो आंसर लाना है बेटा वो पासिंग के लिए लाना है, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर पासिंग इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स। समझ लो बच्चों डेटा गिवन फॉर फेल स्टूडेंट्स एंड रिक्वायर्ड डेटा फॉर पासिंग स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देख लो एज पर फंडामेंटल थ्री सब्जेक्ट्स बच्चों थ्री सेट्स पर ड्रॉ किया, सेट ई क्या देता है बेटा, सेट ई क्या देता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर फेलिंग इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर फेलिंग मैथमेटिक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर फेलिंग केमिस्ट्री। तो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो बेटा ऐसा कोई डेटा नहीं है बेटा, मैंने सपोज कर लिया एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में बेटा फेल हो उसको मैंने एक्स मान लिया, तो यहां पर मुझे लिखना है एक्स, कॉमन बात है कि डेटा नो बेटा उसको सपोज करो। अब बच्चों एक्चुअली बेटा मैं आपको पढ़ाता हूं कि इसके बाद ये क्वेश्चन को फिलअप करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन फिलअप करना है, लेकिन ये क्वेश्चन में ओनली वर्ड बेटा बहुत जगह पे, तो ओनली मैथमेटिक्स ये रीजन होता है, ओनली केमिस्ट्री ये रीजन होता है, ओनली इंग्लिश ये रीजन होता है, सबसे पहले इसको फिलअप कर लो, यहाँ पे ओनली वर्ड उसको पहले फोकस करो। सी ओनली इन मैथमेटिक्स कितने बच्चे 9, तो यहाँ पे होगा 9, ओनली इन इंग्लिश 12 बेटा, ओनली इन केमिस्ट्री कितना बेटा 4। क्लियर? अब बच्चों बहुत इफेक्टिव बात बता दो, 10 स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश एंड मैथ्स ओनली बेटा, पहले से ही यहां पे डार्क सर्कल ड्रॉ करके रखा है, पूरी कहानी में बेटा यही विलन है बच्चों, मान लो जिन बच्चों ने इस विलन को नहीं देखा बच्चों उसका मूवी फ्लॉप हो जाने वाला है, समझ सकते हो? 10 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में फेल है, मैंने ओनली वर्ड को यूज नहीं किया, अगर ऐसा लिखा हो कि इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में 10 बच्चे फेल है तो ये टोटल सम बच्चों 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओनली वर्ड लिखा है इसका मीनिंग 10 बच्चे को मुझे डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे बंद करना है। क्लियर? ये होता है फेल इन ओनली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, अगर ओनली वर्ड हटा दू बेटा तो टोटल 10 होना चाहिए, तो उस टाइम में मुझे 10 - x को रखना। क्लियर? ओके, अब धीरे धीरे बेटा सभी क्वेश्चन पे फोकस करें, तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा इंग्लिश में कितने बच्चे फेल, तो लिखा हो बेटा 32 फेल इन इंग्लिश, तो टोटल यहाँ पे 32 होने चाहिए, उसमें बेटा ये 22 सेट हो गए, इसका मीनिंग मुझे यहाँ पे 10 - x रखना होगा। क्लियर? क्योंकि 10 - x रखने के बाद आपको बेटा इसको वेरीफाई करना है, अगर आपने 10 - x को सही रखा है तो टोटल इंग्लिश में जो बच्चे फेल है वो बेटा 32 दे रखे हैं, तो टोटल सम 32 होना चाहिए, हो रहा है बेटा देखो एक्स एक्स के आंसर 20 + 12 कितना होगा बेटा 32। अब इससे फोकस करें मैथमेटिक्स में बेटा टोटल कितने फेल है 27, ये रहा बेटा।
27। तो बेटा टोटल यहाँ पे 27 होने चाहिए। तो 27 माइनस 10 माइनस 9 माइनस एक्स कर लू तो जो भी नंबर मिलेगा वो बेटा यहाँ पे कितना होगा 8 माइनस एक्स। क्लियर? अब एक्स को निकालना है, देखो एक्स को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है बेटा 15 स्टूडेंट्स फेल्ड इन केमिस्ट्री। ये बच्चों 15 बच्चे ऐसे बेटा जो केमिस्ट्री में फेल है, यानी कि 15 इक्वल्स टू ये केमिस्ट्री में फेल है बेटा वो डेटा। अब वही डेटा बच्चों निकालते हैं बेटा वेन डायग्राम से। कितना होगा 10 माइनस एक्स केमिस्ट्री बेटा ये सर्कल प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स प्लस 4 ये बेटा। सो एक्स एक्स कैंसिल, एक्स को बेटा यहां पे ले ले तो कितना होगा 18 प्लस 4 22 माइनस 15 सो एक्स इक्वल्स टू 7। जो आंसर निकला नहीं है एक्स क्या था, तीनों सब्जेक्ट्स में जो भी स्टूडेंट्स फेल हुए बेटा वो हमें मिला 7 बच्चे ऐसे तो तीनों में फेल है, यानी कि डल स्टूडेंट हुए वीक स्टूडेंट्स हुए। ठीक है, अब लाना क्या होगा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग। अगर बेटा तीनों सर्कल्स में जो भी रखा है बेटा वो फेल 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 के डेटा है तो सर्कल की बाहर क्या होता है बेटा उल्टा फेल का उल्टा पास। तो यहाँ पे जो नंबर मिलेगा बेटा वो इतने बच्चे होंगे जो पास हुए है। तो यहाँ पे नंबर कैसे मिलेगा, तो बच्चों टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स है 54, यानी कि टोटल स्क्वायर में सॉरी रेक्टेंगल में, टोटल रेक्टेंगल में यानी कि यूनिवर्सल सेट में 54 बच्चे हैं, उसमें से सर्कल्स में बेटा वो सम हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ पे रिमेनिंग स्टूडेंट्स मिलेंगे जो सर्कल्स की बाहर है। सर्कल में होना यानी फेल का होना, बाहर होना यानी कि पास होना। तो भाई यहाँ पे कितना नंबर है वो निकालना है, तो उसके लिए सर्कल की इनसाइड कितना सम हो रहा है पहले वो निकालेंगे। क्लियर? ओके। तो बच्चों सर्कल के इनसाइड होता है क्या होता है यूनियन। सो नंबर ऑफ ई यूनियन एम यूनियन सी हर एक का करेंगे सम। सो एक्स प्लस 10 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस 9 प्लस 12। ये बच्चों 4 प्लस 9 प्लस 12 जो कट रहा है बच्चों उसको काटो निश्चिया निश्चय। ये कितना बेटा 20। ये बेटा ये कितना हुआ 20 20 प्लस 20 40 40 प्लस 13 53 माइनस एक्स एक्स की वैल्यू कितनी बेटा 7 53 माइनस 7 इक्वल्स टू 46। यानी कि बच्चों 46 स्टूडेंट्स ऐसे हुए जो फेल है यूनियन में होना सर्कल में होना यानी कि फेल का होना। तो टोटल 54 स्टूडेंट्स में से 46 बच्चों फेल हुए, इसका मीनिंग यहाँ पे 44 माइनस 46 कितना नंबर मिलेगा बेटा 8 स्टूडेंट्स। तो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हुए बेटा जो पास हुए। ये अच्छा क्वेश्चन है क्लियर। ये ओनली वर्ड बेटा रीजन मैंने बताया, कहानी का अंजाम यही आने वाला है बच्चों ध्यान रखो। आप लिखिए देखो बच्चों ये लग रहा है क्वेश्चन छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा लेकिन थोड़ा अच्छा ज्यादा अच्छा नहीं है। ये क्वेश्चन जरा समझ लो 40 रेसिडेंस ऑफ स्कूटर बजाज कंपोलर बहुत पुरानी कहानी है एक्टिव एक्सेस को दिखना चाहिए 25 है कार कार तो रहेगी बेटे एंड 15 हैव बोथ टाइप ऑफ व्हीकल 15 लोग ऐसे बेटा फाइनेंशियली फिट दोनों टाइप के व्हीकल से देर आर 50 रेसिडेंट्स इन ए सोसाइटी टोटल सोसाइटी में बेटा 50 लोग रह रहे हाउ मेनी ऑफ देम ओनली वन व्हीकल ऐसे कितने लोग है बेटा जिनके पास ओनली वन व्हीकल है। ओनली वन व्हीकल का मीनिंग या तो फिर उनके घर कार हो या फिर स्कूटर हो दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए ओनली वन व्हीकल। तो बेटा पूरी
कहानी है कि पूरे क्वेश्चन में दो टाइप के व्हीकल्स की बात है, तो उसके रिगार्डिंग बेटा दो सेट्स को हम यहां पे ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम में। बेटा ये हो गया यूनिवर्सल सेट यू, फर्स्ट सेट फॉर स्कूटर एंड सेकंड फॉर कार। क्लियर? एज पर रूल सेंटर से बाहर आएंगे दोनों व्हीकल्स। कितने लोगों के पास है बेटा? 15 है बोथ व्हीकल्स। बच्चों स्कूटर कितने लोगों के पास है? 40, यानी कि 15 यहाँ पे मैंने सेट कर दिए तो 25 मुझे यहाँ पे लिखने होंगे। कार 25 है कार, यहाँ पे 10 हो गए। अब बच्चों सोच लो हाउ मेनी ऑफ देम ओनली वन व्हीकल। क्लियर बेटा? टोटल कितने रेसिडेंट है बेटा? 50 रेसिडेंट। उनमें से कितने लोगों को ओनली वन व्हीकल बेटा? अब मैंने जब सेट थ्योरी में वेन डायग्राम बताया था मतलब इसका मीनिंग होता है ओनली इन सेट ए। जब मैंने बेटा सेट यहाँ पे ए लिखा था, बी लिखा था, इसको लिखा था ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये बेटा ओनली स्कूटर हो वैसे रेसिडेंस, और ये हुआ ओनली कार हो बेटा ऐसे लोग, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा व्हीकल। ओनली वन व्हीकल वाले कितने बेटा? 25 प्लस 10 इक्वल टू 35। 25 प्लस 10 कितना बेटा? 35। ओनली स्कूटर हो या फिर ओनली कार हो ऐसे बेटा 25 प्लस 10 35 लोग ऐसे जिनके पास ओनली वन व्हीकल है। क्लियर बेटा? इसी क्वेश्चन लिख लिया। बच्चों एक और क्वेश्चन समझ लिया यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप ऑफ 300 स्टूडेंट्स नंबर 1 to 300 यानी कि टोटल 300 स्टूडेंट्स है, तो फर्स्ट नंबर का बच्चा उसका रोल नंबर 1 है, सेकंड नंबर का उसका रोल नंबर 2 है, तो 300 नंबर का बच्चा उसका रोल नंबर 300 है। ये हूज नंबर डिविजिबल बाय 3 ऑफ फॉर आर्ट्स फैकल्टी सब्जेक्ट, यानी कि जो नंबर 1 से लेके 300 तक के है उनमें से जो नंबर 3 से डिविजिबल है बेटा वो लोग आर्ट्स फैकल्टी को प्रिफर कर रहे हैं। एंड दोज नंबर्स डिविजिबल बाय 5 ऑफ फॉर कॉमर्स फैकल्टी, जितने भी नंबर्स 5 से बेटा डिविजिबल होंगे वो लोग कॉमर्स फैकल्टी को सिलेक्ट कर रहे हैं, एंड उसके बाद 10 से डिविजिबल हो वो लोग साइंस स्ट्रीम में जा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ ओनली वन फैकल्टी, यानी कि ओनली वन फैकल्टी को जो बच्चे प्रिफर करे वो टोटल कितने होंगे बेटा वो भी लाना है। तो 3 ब्रांचेस है यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, उसके लिए मेरे बच्चों 3 सेट्स को यहाँ पे सपोज करेंगे। वेन डायग्राम ड्रॉ करो बच्चों पहले, सपोज तो आप करोगे बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। ए फॉर आर्ट्स, सी फॉर कॉमर्स एंड एस फॉर साइंस। क्लियर बच्चों? अब तक जितने भी क्वेश्चंस थे चाहे उसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, स्कूटर हो, बाइसिकल एक्सेट्रा कार हो, उसमें हर एक में स्टार्टिंग में क्लैरिटी होती है कितने स्टूडेंट्स है वो मैथ्स को प्रिफर कर रहे हैं, इतने फिजिक्स को प्रिफर कर रहे हैं, इतने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आर्ट्स में है, एक और आर्ट्स कितने कॉमर्स में है, कितने साइंस में, बच्चों पहले बोला। ये तो नंबर ऑफ ए, ए यानी कि आर्ट्स, आर्ट्स फैकल्टी को जो बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं वो कितने होंगे, तो हमें लिखा होगा 300 जो नंबर से बेटा उसमें से जितने नंबर्स 3 से डिविजिबल है बेटा वो आर्ट्स फैकल्टी को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन टोटल कितने होंगे बेटा? टोटल स्टूडेंट्स बाय 3, 3 से डिविजिबल बच्चों जितने नंबर होंगे वो बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 100। नंबर ऑफ बी सॉरी सी, सी फॉर केमिस्ट्री नहीं बच्चों यहाँ पे कॉमर्स है, कॉमर्स तो कॉमर्स स्ट्रीम कितने स्टूडेंट बच्चे यहाँ पे प्रिफर कर रहे हैं जो नंबर्स 5 से डिविजिबल हो, टोटल स्टूडेंट्स 300 बाय 5 यानी कि 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं बच्चों जो कॉमर्स को प्रिफर कर रहे हैं। एंड नंबर ऑफ एस दैट मीन्स साइंस को कितने बच्चे प्रिफर कर रहे हैं, तो टोटल कितने बच्चों 300 और लिखा हुआ डिविजिबल बाय 10 सो 30। नाउ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यानी कि आर्ट्स एंड कॉमर्स
दोनों को प्रिफर करे ऐसे कितने स्टूडेंट से। अब बच्चों आर्ट्स वाले जो बच्चे हो क्वेश्चन में क्या डेटा दे रखा है, 3 से डिविजिबल हो ऐसे नंबर, और केमिस्ट्री के लिए क्या दे रखा है बच्चों, 5 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल एंड 5 से डिविजिबल। बच्चों जहां पे इंटरसेक्शन होता है वहां में एंड वर्ड को यूज करना है, डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था, 3 से डिविजिबल एंड 5 से डिविजिबल। तो ऐसे कितने नंबर से बेटा जो 3 से भी डिविजिबल हो एंड 5 से भी डिविजिबल हो, यानी कि 3 एंड 5 का जो एलसीएम होगा 15, जो नंबर्स 15 से बेटा डिविजिबल होंगे वो 3 से भी डिविजिबल होंगे एज वेल एज 5 से भी डिविजिबल होंगे। तो अपन को फोकस कहां पे करना है, 15 से डिविजिबल वाले नंबर। टोटल नंबर्स 300 अपॉन 15 यानी कि 20 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आर्ट्स एंड कॉमर्स दोनों सब्जेक्ट्स को प्रेफर कर रहे हैं। नाउ नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एस, सी फॉर कॉमर्स यानी कि 5 से डिविजिबल नंबर एंड 10 से डिविजिबल नंबर, 5 एंड 10 का एलसीएम होता है बच्चों 10, तो 300 अपॉन 10 इक्वल्स टू 30। नाउ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एस, ये बेटा 3 से डिविजिबल, ये 10 से डिविजिबल, 3 एंड 10 का एलसीएम 30 से डिविजिबल, 300 अपॉन 30 इक्वल्स टू 10। नाउ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि 3 से डिविजिबल एंड 5 से डिविजिबल एंड 10 से डिविजिबल, तो 3 5 एंड 10 का जो एलसीएम होगा उससे जो भी डिविजिबल नंबर्स मिलेंगे वो 3 5 एंड 10 तीनों से डिविजिबल होंगे। तो तीनों का एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 30 अपॉन 30 दैट इज 10। फिर बच्चों सब डेटा हमारे पास है, तो वेन डायग्राम में बच्चों डेटा को रखेंगे। सबसे पहले इसको क्लियर करना है 10, फिर ए इंटरसेक्शन सी कितना है बच्चों 20, या फिर लिखना है 10 क्योंकि 10 तो पहले से मैनेज कर दिए थे, सी इंटरसेक्शन एस 30, एन आ गया तो 20 रखना है, ए इंटरसेक्शन एस 10। बच्चों यहाँ टोटल 10 चाहिए, 10 तो ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, हमें 0 लिखना होगा। क्लियर, नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 100 यानी कि टोटल यहाँ पे 100 होना चाहिए, 20 यहाँ पे आ चुके सो 80। नंबर ऑफ सी 60, 40 हो गया बच्चों 20। नंबर ऑफ एस 30, टोटल 30 होनी चाहिए, 30 तो हो चुके 0। ये अब क्या लाना बच्चों, हाउ मेनी ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ ओनली वन फैकल्टी, ओनली वन यानी कि ओनली आर्ट्स को प्रिफर करें और ओनली केमिस्ट्री सॉरी सी फॉर कॉमर्स को प्रिफर करें और साइंस को प्रिफर करें, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन फैकल्टी लिखा है लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी फैकल्टी आर्ट्स कॉमर्स या साइंस की, बेटा कोई क्लैरिटी नहीं है। क्लियर, तो आंसर होगा बेटा हाउ मेनी सब्जेक्ट्स ऑफ ओनली वन फैकल्टी, तो आंसर ओनली वन फैकल्टी यानी कि ओनली आर्ट्स को प्रिफर करे प्लस ओनली कॉमर्स को प्रिफर करे प्लस ओनली साइंस को प्रिफर करे दैट इज 100, यानी कि ओनली वन स्ट्रीम को पसंद करे, ओनली वन स्ट्रीम को पसंद करे, ऐसे कितने बच्चे हुए बच्चों 100। क्लियर, अगर बच्चों क्वेश्चन में लिखा था ओनली टू सब्जेक्ट होता था, ओनली टू सब्जेक्ट तो इन तीनों का सम होता 10 प्लस 20 प्लस 0 ओनली टू सब्जेक्ट। क्लियर, लेकिन ओनली वन दैट्स व्हाई 80 प्लस 20 प्लस 0। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है, लगता है छोटा लेकिन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा आप समझ लो, फेल 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 एंड पास, दोनों टाइप के डेटा है बच्चों, पास एंड फेल दोनों के मिक्सचर डेटा है, लाना क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव एन एग्जाम, कितने बच्चों ने एग्जाम दे रखी है, वो बच्चों में से जितने बच्चों ने एग्जाम दिए बच्चों को, बच्चों में से 12% स्टूडेंट्स फिजिक्स में फेल हुए, 10% स्टूडेंट मैथमेटिक्स में फेल हुए, 6% स्टूडेंट बच्चों बहुत ही वीक है दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, लेकिन ओनली फिजिक्स में पास हुए बेटा वैसे 100 स्टूडेंट्स है, तो कितने बच्चों ने एग्जाम दी हुई है। अब तक बच्चों जितने भी क्वेश्चन हम पढ़े उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ रेसिडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टार्टिंग से बच्चों का,
ये फर्स्ट टाइम उल्टा क्वेश्चन आया जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालना है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम पहले से ही सपोज कर ले, सपोज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स एक्स। मैंने बच्चों सपोज कर लिया कि टोटल एक्स स्टूडेंट्स ने एग्जाम की हुई है, क्लियर। अब बच्चों दो सब्जेक्ट की बात है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसके रिगार्डिंग बच्चों दो सेट्स हम सपोज करेंगे। तो सबसे पहले बेटा फिजिक्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स। देखो बच्चों डेटा क्वेश्चन में फेल गए लेकिन मैंने सेट सपोज किया पास के लिए, ऐसे बच्चे जो फिजिक्स में पास है बच्चों उसको मैंने सेट माना कि एंड सेट एम सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन मैथमेटिक्स। ये बच्चों अब जरा समझ लो, 6% स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, क्लियर। बोथ द सब्जेक्ट यानी कि दोनों सब्जेक्ट में फेल होना, दोनों सब्जेक्ट में फेल होना इसका मीनिंग फिजिक्स में भी फेल होना एंड मैथमेटिक्स में भी फेल होना। जरा समझ लो, फिजिक्स में पास होना मैंने पी सपोज किया तो फिजिक्स में फेल होना पी डैश हुआ, या फिजिक्स में फेल होना एंड एंड यानी कि इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स में फेल होना, उसकी स्ट्रेंथ बच्चों दे रखी है आपको 6% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। जितने भी टोटल स्टूडेंट्स बच्चों मैंने सपोज किए एक्स, वो एक्स के 6% स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं, यानी कि 6% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स एक्स आर फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स मींस फिजिक्स में भी फेल हुए एंड मैथमेटिक्स में भी फेल हुए, उसकी स्ट्रेंथ कितने बेटा 6% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स एक्स, यानी कि 6x/100। ये बच्चों इसका मीनिंग वापस रिपीट करता हूं, जो फिजिक्स में फेल होना एंड मैथमेटिक्स में फेल होना यानी कि दोनों में फेल होना यानी कि 6% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। अब बच्चों में डी मॉडल को यूज कर रहा हूं, सो पी यूनियन एम होल डैश डी मॉडल 6x/100। सो नंबर ऑफ पी यूनियन एम कितना होगा बच्चों, इसका मीनिंग क्या हो बच्चों, दोनों में फेल होना, दोनों में फेल हुए तो कितने हो बेटा 6%, तो 9400 में से 6 हटा दो बेटा, 94 स्टूडेंट्स कितने हो, कैसे होंगे बेटा जो फिजिक्स में पास हो या मैथमेटिक्स में पास हो, 100 में से इसको सबट्रैक्ट करना है, 6% फेल होने के लिए हो तो 94% पास होने के लिए हो, तो ये हो जाएगा बेटा 94% ऑफ एक्स फिजिक्स में पास होना या मैथमेटिक्स में पास होना, क्लियर। तो ये हो गया 94x/100। समझ आ गया बच्चों, अब जरा यहां पे समझ लिया बच्चों, यहां पे क्या दे रखा है कि 10% स्टूडेंट्स फेल इन मैथमेटिक्स, 10% बच्चे मैथमेटिक्स में बेटा फेल हुए, इसका मीनिंग 90% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में पास हुए, उल्टा बेटा 10% अगर मैथमेटिक्स में फेल हुए तो 90% क्योंकि टोटल परसेंटेज बेटा 100 होता है, 10% मैथ्स में फेल हुए तो 90% मैथमेटिक्स में पास हुए, ये 90% ऑफ स्टूडेंट्स आर पास इन मैथमेटिक्स। ये बच्चों तो नंबर ऑफ टेन, ये बच्चों मैंने बच्चों जो बच्चे मैथमेटिक्स में बेटा पास हुए उसको सेट माना हुआ है बेटा एम, मैथमेटिक्स में जो पास हुए बेटा उसको माना हुआ है एम, सो 90% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर एच, सो 90% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ये कैसे बच्चों मैथमेटिक्स में पास हुए क्योंकि 10% फेल, तो
90% पास। तो कितना बेटा 90x अपॉन 100। फिर बच्चों ये क्या लिखा था बेटा, टोटल स्टूडेंट्स हु पास इन फिजिक्स और इन मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जो बच्चे पास हुए उसमें से जो मैथमेटिक्स में पास हुए बच्चों उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ओनली फिजिक्स में पास हुए ऐसे बच्चे भी नहीं है। देयरफॉर स्टूडेंट्स हु पास ओनली इन फिजिक्स इक्वल्स टोटल स्टूडेंट्स हु पास इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स एंड दीज आर 94x अपॉन 100। टोटल स्टूडेंट्स हु पास इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स माइनस स्टूडेंट्स हु पास इन मैथमेटिक्स। ये बेटा क्या था, मैथ फिजिक्स दोनों में पास हो बच्चे, उसके भी मैथ्स वाले को डाल दो क्या बचेगा, फिजिक्स वाले बचेंगे इक्वल्स टू 100 क्योंकि 100 दिया रखा है क्वेश्चन में बेटा। जो बच्चे ओनली फिजिक्स में पास हो बेटा वो 100 दिया रखा है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया बच्चों 4x अपॉन 100, 4x अपॉन 10,000 सॉरी 4x इक्वल्स टू 10,000 तो x इक्वल्स टू 2500। यानी कि x मैंने क्या सपोज किया था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गिव एन एग्जाम, तो कितने बच्चों ने बेटा एग्जाम दी 2500 यानी कि 2500। ये बच्चों बेस्ट क्वेश्चन है, ये लिख लिया। बच्चों वैरायटी चेंज हुई, ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको फैक्टर्स अगर क्लियर है, फैक्टर्स फैक्टराइजेशन तो आपके लिए बहुत इजी है। ऑलमोस्ट बच्चों ये लेसन में सभी वैरायटीज मैंने पढ़ा दी। मान लो बेटा ये लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, किसी करके तो मुझे फोन करना है, या फिर जब भी बेटा स्कूल ओपन हो तब भी आप बेटा लाइव मेरे पास सीख सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो। ये बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, वैल्यूज ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग टू आर। तो ये जो बच्चों इक्वेशन है इसके फैक्टर्स निकालने होंगे, या जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो यूनिवर्सल सेट यू में होगी। क्लियर, सबसे पहले बच्चों इसके फैक्टराइज करके हम यूनिवर्सल सेट में कौन सी वैल्यू है बेटा वो निकालेंगे। फॉर द यूनिवर्सल सेट यू गिवन कंडीशन और इक्वेशन इज कॉपी मानो बच्चों ये टेकिंग एक्स पर कॉमन जो एक्स पर वो कॉमन है x square equals to 0 and bracket equals to 0 from x square equals to 0 x equals to 0 clear now bracket is x cube minus 6x square plus 11x minus 6 equals to 0 अब किसके फैक्टर्स लगाने हैं अब पढ़ लो बेटा कि यहां पे जितने भी टर्म्स है बच्चों उसके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं अगर सभी कोफिशिएंट्स का सम 0 हो रहा है तो 6 है बेटा x minus 1 इज द वन फैक्टर सी इसका कोफिशिएंट 1 हुआ इसका माइनस 6 11 माइनस 6 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 सबका एडिशन 0 हो रहा है इसका मीनिंग क्या हुआ x माइनस 1 यहाँ पे 1 फैक्टर है। यहाँ पे बच्चों आप कैसे भी जजमेंट ले सकते हो यहाँ x इक्वल टू 1 रख दो बच्चों x इक्वल टू 1 रखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो मैंने पढ़ाया था बेटा फैक्टर थ्योरम अगर x इक्वल टू a के लिए p ऑफ a 0 हो रहा है देन 1 फैक्टर इज x माइनस a तो यहाँ पे 1 रखने से आउटपुट 0 मिल रहा है दैट मींस 1 फैक्टर इज x माइनस 1 दो तरीके हो गए बच्चों इतना तो स्ट्राइक हो गया इसके फैक्टर्स निकालेंगे उसमें 1 फैक्टर होगा x माइनस 1 तो कैसे बच्चों x माइनस 1 को बेटा मैं एडजस्ट करता हूं देखो सबसे पहले फैक्टर को सेट करना है फिर बैलेंस करना है फैक्टर बैलेंस फैक्टर बैलेंस फैक्टर बैलेंस तो फर्स्ट अब की कॉपी मान ली मुझे क्या सेट करना है बच्चों x माइनस 1 को लाना है उसके लिए मुझे यहाँ पे x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ से x पर नहीं है तो x माइनस 1 फैक्टर निकल आएगा तो मैंने लिखी कॉपी मारी ये ब्रेन से लिखा मैंने अब बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल कितना है यहाँ पे
माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, यानी कि मुझे यहाँ पे एक और फाइव स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का सम जीरो हो जाए माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। ये बैलेंस किया और फैक्टर को सेट करेंगे तो मुझे यहाँ बेटा प्लस फाइव लिखना पड़ेगा क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ से माइनस फाइव एक्स कॉमन निकले तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस वन। ये मैंने घर का लिखा बच्चों, अब बैलेंस करेंगे क्योंकि एक्चुअल कितना है वन एक्स, तो प्लस सिक्स एक्स लिखना पड़ेगा। अगर बच्चों ये मेथड आपको पसंद हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये बच्चों एक्स क्यूब आपकी चॉइस होती है बच्चों, टेंथ में या नाइन्थ में आपके टीचर ने कौन सी मेथड पढ़ाई वो मेथड का यूज कर सकते हो। देयर आर थ्री टू फोर मेथड्स पर फैक्टराइजिंग, क्लियर। तो वन फैक्टर कितना है बच्चों, एक्स माइनस वन, वो तो पता चल गया। तो अपन क्या करेंगे इसको एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे बच्चों, लास्ट में रिमाइंडर जीरो आएगा, यहां बेटा जो भी बचेगा आपका सेकंड फैक्टर होगा। क्लियर, वन फैक्टर पता है आपको, तो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है बेटा एक्स माइनस वन जो आपको स्ट्राइक हो गया फैक्टर, यहां जो लास्ट में बचेगा आपका सेकंड फैक्टर, रिमाइंडर जीरो है आपका। तो मैं बच्चों डिलीवरी कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है इसमें टाइम थोड़ा चार्जिस्ट होगा, आपको अपने हिसाब से जाना है। तो एक एक एक्स स्क्वायर कॉमन इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन, यहाँ पे माइनस फाइव एक्स कॉमन एक्स माइनस वन, सिक्स कॉमन एक्स माइनस वन, भले मेरे बेटे एक्स माइनस वन कॉमन ले ले, सबको दिख रहा है बच्चों स्टूडेंट्स सबको दिख रहा है ये बेटा। तो यहां से फर्स्ट वाली बात एक्स इक्वल टू जीरो, अब इसको इक्वेट करेंगे तो क्या निकलेगा एक्स इक्वल टू वन, इसको रब कर दो बच्चों। इक्वेट कर लिया एक्स इक्वल टू, इसको इक्वेट कर लिया जीरो के साथ, अब इसके तो बेटा डिलीवरी फैक्टर मिल जाएंगे, सिक्स को ब्रेक करना है जिसका सम फाइव लिखना हो एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू। तो फाइनली यूनिवर्सल सेट यू में बच्चों फोर मेंबर्स मिले, फर्स्ट एक्स की वैल्यू जीरो थी, यहां से एक्स की वैल्यू निकली वन, इसको बच्चों इक्वेट कर दिया मैंने जीरो के साथ, जीरो के साथ इक्वेट कर दो, जीरो के साथ इक्वेट कर दो टू एन थ्री, क्लियर। अब बच्चों से आगे की बात करें तो बच्चों ये जो बेटा इक्वेशन है वो ये रहा आपके आंखों के सामने, इसको जीरो के साथ इक्वेट करने से कौन सी वैल्यू निकली थी टू एन थ्री, तो सेट ए में बेटा कौन से मेंबर्स होंगे टू एन थ्री, क्लियर। नाउ फॉर सेट बी, बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप तो इसके मास्टर हो, फैक्टर्स लगाने नथिंग, तो को ऐसे ब्रेक करना है जिसका समेशन थ्री हो, यस एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन। तो अगर बेटे इसको जीरो के साथ इक्वेट कर दिया क्या देगा वन, इसको कब इक्वेट क्या देगा टू। तब तक मैंने क्या किया, जितने भी सेट बच्चों प्रॉपर्टी फॉर्म में दोस्तों मैंने रोस्टर फॉर्म यानी कि लिस्टिंग फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, बच्चों जो निकालना है उसकी ओर जा रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंटेशन सेट ऑफ इंटरसेक्शन बी, दैट्स व्हाई इनिशियली वी हैव टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन बी, दैट मींस कॉमन एलिमेंट्स व्हिच आर इन सेट ए एंड सेट बी, सेट ए सेट बी में कॉमन मेंबर कौन सा है ओनली टू। नाउ ए इंटरसेक्शन बी डैश कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी सेट, दैट मींस यू माइनस सेट यू में से बच्चों सब्ट्रैक्ट करना होता नथिंग, यू यानी कि यूनिवर्सल सेट जिसमें मेंबर्स कितने मिले बच्चों फोर, जीरो वन टू थ्री, इंटरसेक्शन भी बच्चों ओनली वन मेंबर, सेट माइनस सेट यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, क्या बताया था कॉमन मेंबर्स को हटा देना है, कॉमन मेंबर कौन सा है जो उसको हटा देना है, एंड फर्स्ट पोजीशन पे जो सेट होगा उसके रिमेनिंग मेंबर्स जीरो वन थ्री, क्लियर। जो इसी क्वेश्चन था एज कम्पेयर टू लास्ट टू थ्री क्वेश्चन, ओके बच्चों मैं जा रहा हूं आपको प्रिपरेशन करने करनी है कि लास्ट क्वेश्चन है बच्चों सेट पेपर का, कल से बच्चों शायद हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, कौन सा करेंगे डोंट नो, जैसा बोर्ड बेटा वैसा लेसन स्टार्ट, क्लियर। आप लिखो बाय।